हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक फेमस पार्टीशन नैरेटिव लाजवंती से रिलेटेड है। लाजवंती एक फेमस पार्टीशन स्टोरी है और इसके राइटर राजेंद्र सिंह बेदी है। राजेंद्र सिंह बेदी का जन्म लाहौर में हुआ और ये 1947 पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गया और इन्हें एक प्रोमिनेंट उर्दू फिक्शन राइटर के रूप में जाना जाता है। इनके दो फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है जो काफ़ी फेमस है, एक का नाम है दानो दाम और दूसरा ग्रहण। एंड बोथ द कलेक्शन वेयर पब्लिश्ड बिफोर द पार्टीशन 1947। और ये दोनों जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ये 1947 जो पार्टीशन हुआ उससे पहले ही पब्लिश हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1965 में इन्हीं के नॉवल एक चादर मैलीसी के लिए। राजेंद्र सिंह बेदी का ये जो पार्टीशन नैरेटिव है लाजवंती, ये एक फेमस पार्टीशन नैरेटिव है और ये ओरिजिनली उर्दू में लिखा गया और इसका ट्रांसलेशन आलोक बल्ला के द्वारा किया गया स्टोरीज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया से। अभी हम लोग देख लेते हैं जो इसमें कैरेक्टर है। तो लाजवंती इसमें एक यंग ब्यूटीफुल मैरिड वुमन है और इन्हीं का एबडक्शन और रेप होता है पार्टीशन के बाद। एंड सी इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये प्रोटागोनिस्ट है, लीडिंग कैरेक्टर है इस स्टोरी की और ये सुंदरलाल की वाइफ है और इनका जो निक नेम है वो लाजो है। बाबू सुंदरलाल ये लाजवंती के हस्बैंड है और ये रिहैबिलिटेशन कमेटी के सेक्रेटरी बनते हैं पार्टीशन के बाद। और ये इनका मेन काम होता है कि जो भी एबडक्टेड वुमेन है जिनको रिकवर किया जाता है उनको उनके एक्सेप्टेंस के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पार्टीशन के बाद तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन का एबडक्शन और रेप हुआ था और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम तब आया जब उनको रिकवर किया गया और उनके अपने फैमिली के लोग उनको एक्सेप्ट करने से इनकार करते थे। तो इनके लिए बाबू सुंदरलाल और जो भी कमेटी का मेंबर्स थे वो इनके लिए काम करते थे कि किस टाइप से जो एबडक्टेड वुमेन है उनको लोग एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है मिस मृदुला शाराबाई। ये एक पावरफुल सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है हु अरेंजेस द एक्सचेंज ऑफ एबडक्टेड वुमेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इनका ये मेन काम है किस टाइप से एक्सचेंज हो, जो भी वुमेन जिनका एबडक्शन और रेप होता है उनके एक्सचेंज के लिए काम करती है दोनों साइड से। नेक्स्ट है खलीफा कालका प्रसाद। ये एक लॉयर है और एक बहुत अच्छे ऑरेटर है एंड ही डिलीवर्स न्यूमरस स्पीचेस टू प्रमोट द एक्सेप्टेंस ऑफ द एबडक्टेड वुमेन। ये बहुत सारे स्पीचेस देते हैं ताकि जो वुमेन है उनको लोग एक्सेप्ट करें। महिंदर सिंह ये एक रिफ्यूजी है और मेंबर भी है उस कमेटी के एंड हुज वाइफ हैड बीन एबडक्टेड बट रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ मिस मृदुला शाराबाई। इनकी भी वाइफ का एबडक्शन हुआ, रेप हुआ, हालांकि इनको रिकवर कर लिया गया मिस मृदुला शाराबाई के कॉपरेशन से। लालचंद ये भी एक रिफ्यूजी है और बाबू सुंदरलाल एंड कालका प्रसाद हेल्प्स हिम इन सेटिंग अप ए राशन शॉप। सो जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद लोग अपना उनको उनका अपना घर छोड़ना पड़ा, उनका बिजनेस छोड़ना पड़ा। तो ये सारे लोग जो कुछ आए वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया, उन सब के लिए अरेंज करते हैं ये लोग किस टाइप से उनका जो जीवन यापन है वो चले। तो इस टाइप से बहुत सारे लोगों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है नरेन बाबा। ये एक कह सकते हैं एक हिपोक्रेसी बिहेवियर है इनका एंड हु डज नॉट सपोर्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द एबडक्टेड वुमेन एंड विक्टिम्स ऑफ द रेप। और ये सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं। जो कमेटी है उनका मेन पर्पस है किस टाइप से जो एबडक्टेड और रेप्ड वुमेन है उनको एक्सेप्ट किया जाए। वहीं इनके अपोजिट में नरेन बाबा है जो उनको लोगों को भड़काते हैं कि नहीं वो अपवित्र हो चुकी है, सो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। और जमाल ये वो कैरेक्टर है जो कि लाजो को एबडक्ट करता है पार्टीशन के समय 1947 में। सो द स्टोरी ओपन्स विद अ रिहैबिलिटेशन कैंप एट अ फिक्शनल प्लेस मोहल्ला शगूर। स्टोरी के बिगनिंग में हम लोग देखेंगे कि एक रिहैबिलिटेशन कैंप होता है, एक फिक्शनल प्लेस है मोहल्ला शगूर जो कि बॉर्डर के पास है इंडिया पाकिस्तान के और ये कैंप इंडियन साइड में है। सो आफ्टर द कार्नेज ऑफ द पार्टीशन देर वेर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम फॉर द माइग्रेंट्स लाइक ट्रेड फॉर डिसप्लेस्ड लैंड फॉर रिफ्यूजी एक्सेट्रा। सो जब पार्टीशन हुए उसके बाद जो भी पार्टीशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आए उन सब के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए क्योंकि लोगों का घर छिन गया, उनका व्यवसाय छिन गया। तो उन सबको एडजस्ट करने के लिए
बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए जैसे कि ट्रेड फॉर डिस्प्लेस्ड, लैंड फॉर रिफ्यूजी एक्सेट्रा, बट देर वर नो प्रोग्राम फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबडक्टेड एंड रिप्ड। लेकिन कोई भी प्रोग्राम नहीं था जो इस बात को प्रमोट करे कि जो अबडक्टेड या रेप्ड वुमेन है जिसको रिकवर किया गया है उनको लोग एक्सेप्ट करें। सो द अबडक्टेड वुमेन वेर नेग्लेक्टेड बाई देयर ऑन फैमिलीज, इवन तक कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो सब भी उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे। A committee is formed by the people of Mohalla Shakur for the rehabilitation of the women who had been abducted and raped during the partition. So, वहीं पे Mohalla Shakur में ही एक rehabilitation center था, तो वहाँ एक committee का formation हुआ वहीं के लोगों द्वारा, और उनका जो main slogan था वो था honor them and give them a place in your heart. So, जो भी women हैं जिनका abduction और rape हुआ है उनको आप सम्मान कीजिए और उनको अपने heart में place दीजिए। बाबू सुंदरलाल इज इलेक्टेड इट्स सेक्रेटरी बाई मेजोरिटी ऑफ 11 वोट्स, और बाबू लाल सुंदरलाल उस कमिटी के सेक्रेटरी बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीपल सुंदरलाल हैज गॉट स्पिरिट एंड कमिटमेंट फॉर द प्रोग्राम बिकॉज हिज ऑन वाइफ लाजो और लाजवंती हैड बीन अबडक्टेड। सो इस प्रोग्राम के लिए बाबू सुंदरलाल एक परफेक्ट सेक्रेटरी की भूमिका में थे क्योंकि इनकी वाइफ का भी अबडक्शन हुआ था। सो उनके पास पूरा स्पिरिट था, कमिटमेंट था इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। एवरी मॉर्निंग ए प्रोसेशन इज लेड बाय सुंदरलाल एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी लाइक राशालू, नेकी राम एक्सेट्रा। तो हर एक मॉर्निंग में जो भी कमिटी के मेंबर्स थे सब लोग साथ में निकलते थे और बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह गाते हुए, सॉन्ग्स वगैरह गाते हुए निकलते थे ताकि जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस टाइप से अबडक्टेड और रेप्ड वुमेन को एक्सेप्टेंस मिले, उसके लिए लोग स्लोगन्स वगैरह गाना वगैरह गा के निकलते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। दे सिंग हिम्स एंड फोक सॉन्ग्स थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी टू प्रमोट द एक्सेप्टेंस ऑफ अबडक्टेड एंड रेप्ड। दे सिंग डू नॉट टच लाजवंती फॉर सी विल कर्ल अप एंड डाई। सो उनका जो मेन गाना है वो ये है जो वो कि गाते हैं, डू नॉट टच लाजवंती फॉर सी विल कर्ल अप एंड डाई। सो लाजवंती यहाँ एक जो प्लांट है उस पे आया है और ये लाजवंती पूरे जो वुमेन है उनको ये रिप्रेजेंट करता है ये प्लांट। सो उनको कह रहा है कि उनको आप जो भी वुमेन है उनको आप वही चीज कि उनको आप अपने हार्ट में प्लेस दीजिए और उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। सुंदरलाल फ्रिक्वेंटली स्टार्ट्स वीपिंग एंड वाइल सिंगिंग द सॉन्ग। और सुंदरलाल जो कि सेक्रेटरी जब ये गाना लोग गा रहे होते हैं उस समय वो अक्सर रोने लगते हैं क्योंकि उनकी वाइफ का नाम भी लाजवंती है। एंड ही समर्स इन द नॉस्टैल्जिया ऑफ हिज वाइफ लाजवंती, और वो उनके चूंकि इनकी वाइफ का एबडक्शन हुआ अभी तक वो रिकवर्ड नहीं हो पाई है, और तो ये जब गाना वो गा रहे होते हैं अपने जो भी मेम्बर्स हैं उनके साथ, तो ये काफ़ी अपनी जो पुरानी यादें हैं अपनी वाइफ के साथ उनके साथ वो डूब जाते हैं उन्हीं सब चीज़ों में। एंड द मेमोरीज फ्रिक्वेंटली अकर्स इन हिज माइंड रिगार्डिंग द फर्स्ट साइट ऑफ हिज वाइफ। दो बोथ वेयर अपोजिट टू इच अदर, तो अचानक से उनको पुराना याद आने लगता है अपनी वाइफ का कि किस टाइप से वो फर्स्ट टाइम मिले और कैसे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। सुंदरलाल वाज अ सिटी बॉय एंड लाजवंती वाज अ विलेज गर्ल। ये सारे चीज नैरेट कर रहे हैं कि कैसे सुंदरलाल एक शहर के लड़के थे, वहीं लाजवंती एक विलेज गर्ल थी। एंड ही हैड कम टू हर विलेज विद द ब्राइड ग्रूम्स साइड टू अटेंड लाजवंती सिस्टर्स वेडिंग। और किस टाइप से सुंदरलाल जब उनका पहला मुलाकात होता है लाजवंती से, तो वो दूल्हे के साइड से आते हैं और दुल्हन जो है वो लाजवंती की सिस्टर है। सो पहला मुलाकात उन दोनों का होता है एंड बोथ फेल इन लव एंड मैरिड। उसके बाद दोनों को प्यार होता है और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सुंदरलाल यूज टू बीट हर वाइफ एंड सी यूज टू बियर इट। और सुंदरलाल एज जो टिपिकल हस्बैंड अपनी वाइफ को बात बात पे पीटा करते थे एंड सी यूज टू बियर इट, और लाजवंती इस चीज को बियर करती थी। लाइक द अदर गर्ल्स ऑफ द विलेज सी न्यू दैट ऑल हस्बैंड्स बीट देयर वाइफ्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जनरली अर्लियर होता था कि सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को पीटते हैं। बट आफ्टर लाजवंती अबडक्शन ही सीजेस टू थिंक अबाउट हिज वाइफ विद सो मच सॉरो। लेकिन जब उनकी वाइफ का अबडक्शन हुआ 1947 के पार्टीशन में, उसके बाद उनका जो थिंकिंग था, उनका जो सोचना था अपनी वाइफ के प्रति, वो बिल्कुल बदल गया और वो काफ़ी सोरोफुल जीने लगे। एंड ही हैड फेथ दैट वन डे सी विल बी रिकवर्ड एंड इन दिस फेथ एंड होप ही लीड्स द प्रोसेशन स्पिरिटली।
और उनको विश्वास था जिस टाइप से अदर वुमेन का रिकवरी हो गया है उस टाइप से एक ना एक दिन लाजवंती को भी रिकवर्ड कर लिया जाएगा, और इस टाइप से वो पूरे स्प्रिटली उस प्रोसेशन में जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उसके लिए वो काम करते जा रहे थे. द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ द एबडक्टेड वुमेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अरेंज बाई मिस मृदुला साराभाई नियर चौकी कलाम एट बाघा बॉर्डर. सो जो भी एक्सचेंज होता था, यानी जो इंडियन वुमेन जिनका एबडक्शन पाकिस्तान में हुआ और जो पाकिस्तानी वुमेन जो पाकिस्तान में जाने वाली थी उनका जो एबडक्शन इंडिया में हुआ, इन सारे का एक्सचेंज बाघा बॉर्डर पे होता था. सो आप स्टोरी में देखेंगे कि जो पहला आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा जो कि मिस मृदुला साराभाई के द्वारा किया जाता है वो आपको देखने को मिलता है. एंड सम ऑफ द एबडक्टेड वुमेन आर एक्सेप्टेड बाई देयर फैमिलीज एंड सम ऑफ देम वर रिफ्यूज. तो स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से जो भी वुमेन का एक्सचेंज होता है तो उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनके जो वुमेन है उनके जो फैमिली है वो एक्सेप्ट करते, वहीं कुछ को रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये उनकी माँ है या उनकी बहन है उनकी बेटी है इस टाइप से. सुंदरलाल वेट्स एंड वॉचेस द लास्ट वुमेन स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रक who had been brought from Pakistan but Lajwanti was not there. और सुंदरलाल की वेट कर रहे होते हैं कि कब उनकी वाइफ भी बाहर निकले जो जिस ट्रक में वुमेन्स को लाया गया है उनसे, लेकिन लाजवंती वहाँ नहीं थी, उस ट्रक में नहीं थी. सुंदरलाल कैरीज ऑन द प्रोसेशन एंड बिकम सक्सेसफुल टू ब्रेक द ऑर्थोडॉक्सी आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द अनएक्सेप्टेंस ऑफ द एबडक्टेड वुमेन. और सुंदरलाल उस जो एक्सचेंज है उसके बाद फिर भी उदास नहीं होता है, फिर भी एक होप है कि उसकी वाइफ भी एक ना एक दिन रिकवर कर ली जाएगी, और फिर से वो प्रोसेशन वगैरह स्टार्ट कर देता है. और जो भी ऑर्थोडॉक्सी आइडियोलॉजी है कि नहीं जो एबडक्टेड वुमेन है जो रेप्ड वुमेन है वो मतलब अपवित्र हो गई है, उसको वो ब्रेक करते हैं और लोगों को इस बात में समझाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं कि नहीं दे कि वो लोग भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं, वो भी हमारे बीच के ही है. फर्दर द नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ द एबडक्टेड वुमेन इज अगेन अरेंज एंड लाल चंद इन्फॉर्म सुंदरलाल दैट ही हैज बीन सीन लाजवंती अमंग द 16 वुमेन एट बाघा बॉर्डर. सो अगेन नेक्स्ट एक्सचेंज का टाइम आता है और उसमें टोटल 16 वुमेन है और उसमें से एक वुमेन लाजवंती है जो कि लाल चंद सुंदरलाल को इन्फॉर्म कर देता है. दे गो टू चौकी कलाम एंड फाइंड्स लाजवंती. तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे लाजवंती उन 16 वुमेन में लाजवंती भी रहती है. सुंदरलाल इज शॉक टू सी लाजवंती हेल्दियर देन बिफोर. और सुंदरलाल को ये शॉकिंग लगता है कि मतलब कैसे लाजवंती इतना हेल्दी हो चुकी है पहले से भी ज़्यादा. सो बट ही फेल्स टू सी द साइंस ऑफ द पेन्स एंड ह्यूमिलेशन इन हर फेस. तो सुंदरलाल को ये बात थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, लेकिन वहीं सुंदरलाल फेल भी हो जाता है कि जो ह्यूमिलेशन या जो पेन उसके फेस पे है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. आफ्टर लाजवंतीज रिटर्न ही कंटिन्यूज टू वर्क विद द डिवोशन फॉर द रिहैबिलिटेशन कमिटी एंड ही स्टार्ट ट्रीटिंग हिज वाइफ एज देवी इंस्टीड ऑफ लाचो. और जब उनकी वाइफ उनको मिल जाता है उसके बाद फिर भी ये जो इन एज ए सेक्रेटरी जो इनका काम है रिहैबिलिटेशन कमेटी के प्रति वो उसको डिवोशनफुली करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं ये अपनी वाइफ यानी लाजवंती को देवी कहना शुरू कर देते हैं. मतलब ये एक्सेसिव लव या एक्सेसिव केयरनेस दिखा रहे हैं देवी कह करके. वन डे सुंदरलाल आस्क्ड द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड बीन एबडक्टेड हर. एक दिन क्या होता है कि सुंदरलाल लाजवंती से ही पूछते हैं कि तुम्हारा जो एबडक्शन है वो कौन सा पर्सन किया था, मतलब उसका नाम क्या है. एंड लाजो सेज दैट इट वाज जमाल. और लाजो कहती है कि वो जमाल था जो उसको उसका एबडक्शन किया था. हु हैड बीन एबडक्टेड हर ही सेज लेट अस फॉरगेट द पास्ट. सो सुंदरलाल उनका नाम भी पूछते हैं और उसके बाद फिर अपनी वाइफ को कहते हैं कि चलो अब जो भी पास्ट है उसको भूल जाओ. लाजो डज नॉट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज देवी. और लाजो ये नहीं चाहती है कि उसको देवी की तरह ट्रीट किया जाए. एंड ही वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड एज लाजो एज अर्लियर बाई हर हस्बैंड. और वो चाहती है कि उसे बिल्कुल उसके जो हस्बैंड है सुंदरलाल बिल्कुल लाजो की तरह ही ट्रीट करें जैसे वो पहले किया करते थे. स्लोली हर हैप्पीनेस वॉज रिप्लेस्ड बाई सस्पिशन. और धीरे धीरे उसका जो हैप्पीनेस था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. एंड दिस वॉज नॉट बिकॉज सुंदरलाल हैज बिगन टू मिसट्रीट हर अगेन बट ही कंटिन्यू टू ट्रीट हर विद एक्सेसिव काइंडनेस. और ऐसा इसलिए हो रहा था लाजो के साथ
ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सुंदरलाल उसको मिस्ट्रीट कर रहा था, बल्कि क्या कर रहा था, अब ये उसको एक्सेसिव काइंडनेस शो कर रहे थे अपनी वाइफ को, एंड सी वांटेड टू बी लाजो अगेन, जबकि लाजवंती चाहती थी कि बिल्कुल वो लाजो ही रहे जैसे वो पहले थी, पार्टीशन से पहले थी, द वुमेन हु कुड नॉट क्वारल विद हर हस्बैंड। अब उसको जो एक्सेसिव काइंडनेस मिल रहा था वो चीज उसके लिए अनबेयरेबल था। सो सी बिगेंस टू गेज एट हर सेल्फ इन द मिरर एंड कंक्लूड्स दैट सी वुड नेवर बी लाजो अगेन। और एक दिन खुद को आईने में देखते हुए वो खुद को रियलाइज करती है कि वो अब कभी लाजो फिर से दोबारा नहीं बन सकती। दो सी हैज टर्न होम बट सी हैज लॉस्ट एवरीथिंग। हालांकि वो मतलब अपने उसको अपना उसका घर मिल गया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया है। सो ये था स्टोरी, होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम।